अरे अभी ब्लॉग हटा दिया मैंने तो दोनों के दोनों बस वाले भी मेरे को चिपकते चिपकते रह गए। अगर कोई वैसा बस वाला देखता हो ना तो थोड़ा संभल के चलाओ यार, आप लोग तो अंदर बैठे रहते हो, फिर सामने वाला आपको गाली देगा, आपको मारने आएगा, आप उतरोगे नहीं, नुकसान भी उसी बंदे का होगा और चौकी में जाएगी तो भी नुकसान उसी का है, दोनों तरफ से नुकसान उसका होगा। तो ऐसा मत करो, ठीक है, चलाओ तरीके से चलाओ। अभी हर जगह देखो मेट्रो के काम चल रहे, ठीक है, उसकी वजह से ना किसी को मतलब जगह भी नहीं है कि बंदा गाड़ी पास कर पाए। ये देखो इतनी सी जगह, इसमें क्या गाड़ी चलाएगा, तब तक आगे का दो सिग्नल बंद हो जाता है। वो बंदे बस के लिए आया टाइम पे, बस वाले ने रुकाया नहीं, बंदा पहुंच गया था लेकिन उसको उठाया नहीं बस वाले ने। तो ऐसा मत करो यार, बंदा भाग भाग के आता है फिर आप लोग बिठाते नहीं, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो यार, कोई भी भाग के आता है ना बस वाले के पास, वो निकल जाता है, वो नहीं रुकाता है, कितना लेट होएगा उसको बिठाने में क्या जाता है यार। ये देखो लग गया सिग्नल, चलो कोई नहीं। तो कैसा ना देखो सोचो समझो, अगर आप उस चीज के लिए वक्त दे सकते हैं तो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओ, ये नहीं कि हाँ थोड़े से टाइम के लिए। देखो भाई साहब कहाँ से घुस रहे हैं, जगह नहीं है फिर भी घुस रहे कि भाई हाँ हम लोग बना लेंगे, बनाने को तो कोई भी बना लेगा लेकिन उसको वक्त देना चाहिए। वक्त दोगे तो फिर आपका ब्लॉग बनेगा, आपका कंटेंट पे ध्यान रहेगा, सब्सक्राइबर पे ध्यान रहेगा कि भाई हाँ मुझे इस तरीके से सब्सक्राइब लेना है, सब्सक्राइबर जमा करना है, देख रहे हो। तो इतनी सी जगह पे से बाइक निकालना पड़ता है, ये नहीं देखेगी कि यार खुद को भी लगेगा दूसरे की गाड़ी पे भी डैमेज होगा, बस घुसना है यार, छोटी सी जगह भी मिलेगी तो क्या है, ठोकेगा तो मालूम है सामने वाला गाड़ी वाला गाली देगा, मैं भी दो गाली दूंगा, थोड़ी सी बहस करेगा ये निकलना है दोनों को। यार कभी भी कोई भी बाइकर हो कार्स में हो, नॉर्मल ठंडा दिमाग रख के चलने का, क्योंकि मुझे पता देखो कोई कोई कार वाला एकदम रश चलाता है गाड़ी, एकदम रफ ड्राइविंग रहती है उसकी, प्लस बाइक वाले भी होते बहुत सारे कि एकदम खतरनाक निकालते गाड़ी, कुछ कुछ होते जिनको वाकई में आता है प्रोफेशनली रहते, कार्स में भी काफ़ी जन होते कि हाँ प्रोफेशनल तरीके से चलाते निकालते गाड़ी, कुछ बंदे ऐसे होते कि दिखा दे भगाने के लिए भगा देते, बाद में भी जाके पप्पी ले लेते सामने वाली गाड़ी की। देखो सिग्नल को कितना टाइम लग रहा है, एक से दो मिनट में सिग्नल निकलना चाहिए था। चलो हो गया डन, सिग्नल खुल गया। ओहो अभी क्यों रुक गया भाई, चलो भाई चलो, अरे भाई मेरे चल, शायद उसका जाने का दिल नहीं है। ओहो ये देखो भाई साहब फोन लेके जा रहे रोड क्रॉस कर रहे हैं। देखो यार ये मेट्रो की वजह से ना कुर्ला में इतना जाम लगता है ना, कैसे स्टेशन पहुंचते पहुंचते बंदे को टाइम हो जाता है, काफी रोड छोटे हो गए मेट्रो के चक्कर में, और काम भी होता नहीं फटाफट कि हाँ हो जाएगा ठीक है ना, एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल घसीट लेते इस चीज़ के लिए। रोड हो जाता है छोटा फिर या तो ट्रैफिक होती या खड़े रहो, संडे के दिन मिल जाता है रोड खाली, बाकी टाइम में तो ऐसे ही रश रहता है, या एक मिनट में बंदा पहुँचने का वहाँ उसको दस मिनट वेट करना पड़ता है। इसमें बाइकर और रिक्शा वाले को देखना अभी चलाने का तरीका अभी खतरनाक होता है। देखो देख रहे हो, देखो बिना हेलमेट के वाइफ है फैमिली के साथ में बंदा चल रहा है, बिना हेलमेट का है बिंदास घुस रहा है, देखो कैसे चला रहा है, गिरेगा पड़ेगा कोई डर नहीं है, बस चलना है। ये देखो मैडम को, कान से फोन हटा के अगर क्रॉस करोगे ना रोड तो जो बाइक वाला हो कार वाला हो उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। देखो
क्या भाई ठीक है चल निकल जाएगा, फोन पे चलेगा इतना आराम से बात करते चलेगा, जब तक हमने वाला दो तीन हॉर्न बजा देगा फिर भी नहीं हट रहा तो चिपका नहीं जाएगा उसको। देखो ठेले वाले तो जगह नहीं बेचारे को जाने के लिए, रोड पे घुस रहा है अभी, इसके आगे तो और छोटा रोड हो जाएगा। ये देखो कोई भी एक ही गाड़ी जा सके, ठीक है भाई साहब किसी को नहीं देख रहे जाने की जगह पे। ओके चलो देख रहे हो ना आगे जा रहे ना मुझे जाने दे रहे। हाँ उनकी भी गलती नहीं यार, सोचते कंफ्यूज होता है इंसान बाहर रोड पे निकलने के बाद, शाम का टाइम कोई खरीदने के लिए निकलता है बाजार के लिए निकलता है, बेचारे कंफ्यूज रहते हैं क्या ले क्या ना ले, इसके चक्कर में रोड क्रॉस करने के टाइम पर भी ध्यान नहीं देते। देख रहे हो रोड, रोड की रज्जा उड़ी हुई है, देखो ये देखो ये देखो कितना पास से निकाला गाड़ी। ओके तो कंफ्यूज मत हो जाओ, एक बार शुरू हो जाओ, देखो शर्माओ मत, अगर शर्माओगे तो ब्लॉग नहीं बना पाओगे। कैसा ना बहुत से लोग सोचते हैं यार मोबाइल लेके निकलेंगे कैमरा लेके निकलेंगे पब्लिक मुंह को देखेगा, अरे नहीं देखने दो ना, वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि बंदा कुछ कर रहा है, वो आके पूछ भी लेंगे भाई क्या कर रहा है, बता देना भाई चैनल है मेरा वो ब्लॉगिंग करता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तुम्हारे, उनको बताओगे तो पता चलेगा। अभी मैं एक दो दिन पहला गाड़ी वॉश कर रहा था, मेरे को बंदा मिला, बोले भाई क्या कर रहे हो, बोला भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोले किस चीज़ के लिए, मैं बोला भाई यूट्यूब पे मेरा चैनल है नया नया ओपन हुआ है, तो उसने बोला भाई मुझे आपकी आईडी दे दो, मैं बोला ठीक है ले लो, आईडी भी दिया, उसके बाद में उसने मेरे को सब्सक्राइब भी किया, मेरी किसी वीडियो पर उसने लाइक भी किया बताया मुझे, बोला ठीक है भाई। एक मिनट कॉल आ रहा है, ये देखो ये रिक्शा वाले को देखो हल्का सा बचा घसते हुए, देखो वो गाड़ी है कहाँ खड़ी हो, देखो सिग्नल के पास, दूसरा गाड़ी पास होगा ही नहीं। ये देखो जगह नहीं है फिर भी बंदा घुस रहा है, क्या बोलने का टैक्सी वाले को, ये इन लोगों की आदत बहुत गंदी है टैक्सी वालों की। देखो ये देखो चलाने का तरीका, देखो जगह नहीं है फिर भी घुस रहा है, शायद कोई बिजी होगा या कोई मिलने बुला रहा रहेगा उसको, इसके लिए इतना रनिंग में निकल रहा है बंदा। मुंबई के टैक्सी वाले सही में वाकई में ना ढंग से नहीं चलाते, बुरा मत मानना, काफ़ी लोग देखते हैं कैसा ना एक दो कीड़ा होता है, देखो कुर्सी कोई भी कार वाला देखना एक दो तो मिलता है ये बंदा, और इनके साइड मिरर क्यों बंद होते पता नहीं, इस चीज़ के लिए आरटीओ वाले भी इनको पूछते नहीं है। हाँ जैसे कि हम नॉर्मली अगर प्राइवेट गाड़ी वाले चलते या फिर कोई भी चलता हो तो उनके साइड ग्लास के लिए पूछेंगे, भाई साइड ग्लास में क्या हुआ तेरे क्यों नहीं ओपन है, प्राइवेट वालों को पूछ लेंगे, इन टैक्सी वालों को कोई नहीं पूछेगा। आजमा लेना कभी भी, अगर मुंबई में रहते हो तो आपको पता रहेगा कि टोटल टैक्सी का लेफ्ट साइड का जो मिरर होता है ना वो बंद होता है और राइट साइड का खाली उन लोगों का ओपन होता है, वो भी टूटा फूटा रहता है। XUV700 की वजह से देखो उसको रिवर्स लेना है, अरे यहाँ पे ट्रैफिक हो गई है, ये देखो कान में एयरफोन बंद के बस चल रहा है, ऑन बजाओ कुछ भी बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कब लेफ्ट से राइट में घुस जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। आमची मुंबई लोकल
मुंबई में नाइट में घूमने का मजा ही कुछ और है। मुंबई में नाइट में काफी सारी चीजें एकदम हवा वगैरह एकदम नरीमन पॉइंट जैसे कि पॉइंट वगैरह पे जाते हैं फील मिलता है वहाँ पे। हाँ वहाँ पे ब्लॉगिंग बनाने का भी फील है, हवा रहती है, पब्लिक होती है, वो लोग भी देखते हैं भाई क्या कर रहा है क्या नहीं है, टिकटॉकर है क्या, मतलब जैसे कि इंस्टाग्रामर है या फिर यूट्यूबर है, कोई भी जेन्युइन इंसान पूछता है भाई क्या कर रहे हो तो बता देने का भाई यूट्यूब पे चैनल है बस सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके ले लेने का। उन लोग को भी ठीक लगता है, हाँ भाई चल ठीक है नया चैनल है हम लोग भी यूट्यूब पे आ जाएंगे सब्सक्राइबर के चक्कर में, तो इसके अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते। फनी में लेना है, सीरियस नहीं लेना बात को। देखिए ऐसा बहुत से अभी देखो थोड़ी देर पहले मेरे अभी मैं जब आ रहा था चेंबूर कैंप से तभी वो एक्टिव पे तीन बंदे थे, उन लोगों ने हाथ दिखाया शायद सब्सक्राइबर हो गए, ज़्यादा तो है नहीं पर धीरे धीरे नया नया कोई कोई ना कोई तो होता है कि भाई ठीक है हम लोग योग दे देंगे, नया बंदा है इसको आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसी को होगा इसके लिए हाथ दिखाया उसने। ये बहुत से लोग देखो यूट्यूबर बनने के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए टिप देते हैं, ये टिप यूज करो वो करो, नहीं देखो कंटेंट बताने के लिए तो कोई भी बता देगा ठीक है आपको कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है या ऐसा बोलना है, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। देखो उनके पास एक्सपीरियंस है अपने पास नहीं है, हम जैसे नए नए हैं तो एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए तो ठीक है एक्सपीरियंस है तो उन लोगों के लिए ईजी है, हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं तो हम लोग के लिए ईजी नहीं हो सकता ना ये चीज़। ये देखो एक्सपीरियंस रहेगा तो कोई भी चीज कर सकता है बंदा, एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो सोचता है समझता है एक चीज को, तो किसी के बोलने पे मत चलो। मेरा कहने का मतलब तो ये कि खुद निकलो, निकलोगे तो आपको कुछ पता चलेगा। हाँ कभी कभी बोलने में आगे पीछे हो जाओगे, मैं भी देखो बोलने में आगे पीछे होता हूँ, इसके लिए मैं शांत वीडियो डालता हूँ हाँ ठीक है भाई, लेकिन कैसा ना पब्लिक को पता नहीं चलेगा कि भाई बंदा सिर्फ वीडियो डाल के छोड़ दिया चल रहा है, नहीं कुछ भी हो थोड़ा सा भी हो बोलो, बोलोगे तो उनको पता चलेगा, नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, बोलोगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बंदा नया है शायद इसको बोलने नहीं आ रहा है इसके लिए बंदा शायद म्यूट वीडियो डाल रहा है, तो ये सब चीज़ें करो टेंशन नहीं लेने का, लाइफ बहुत बड़ी है स्ट्रगल हर चीज़ में ठीक है, तो थोड़ा बहुत करके देखो क्या पता धीरे 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 आपको हो जाए बोलने के लिए हर चीज़ आसान हो जाए ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं तो एक ही रिकमेंड करूँगा कि देखो निकलो रोड पे ट्राई करो कोशिश करो, व्यूवर्स मत देखो क्योंकि देखो हम नए चैनल वाले तो हमको इतने जल्दी कोई नहीं अट्रैक्ट होगा ना कोई इतने जल्दी देखेगा, किसी ने देख लिया चलो ठीक है आ गया वीडियो देखते चलो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उस हिसाब से एक व्यू मिल जाएगा। अगर अपने को एक दिन में अगर एक व्यू भी मिलता बहुत बड़ी बात है नए यूट्यूबर के लिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं सोचूंगा कि यार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहे, एक ही मिल रहा है दो ही मिल रहा है व्यू, तो इतना मत सोचो यार, सोचोगे तो भी सोचते रह जाओगे। कैसा ना सोचो मत, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, सोचने से अच्छा ना ट्राई करो कोशिश करो होता है इंशाल्लाह तो हो जाएगा ठीक है, अपने तरीके से करो हर चीज़ करो अपने तरीके से करो, मैं तो इतना ही कहूँगा, लेकिन छोड़ो मत जो चीज़ करना दिल से करो ठीक है। ओके चलो गुड नाइट।